नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल शेयर विद अरूप में। तो दोस्तों कल भाई चुप जा, चुपचाप घुमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल शेयर विद अरूप में। तो दोस्तों कल अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत ही जोरदार तूफान आया था। मेरा मतलब है कि जमीन पे नहीं, सोशल मीडिया पे, खास तौर पे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के ट्विटर अकाउंट पे। हे चुप। बरगिनी चलाई जाने ओ। के लोगों को यह खुद पता नहीं चल रहा था कि आखिर अरुणाचल प्रदेश के सड़कों पे यह चल क्या रहा है। फिर मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी का ट्विटर अकाउंट चेक किया गया, फिर पता चला कि पेमा खांडू जी ने एक ट्वीट किया है। वैसे तो पेमा खांडू जी ने यह ट्वीट इंग्लिश में किया है, मैं आप लोगों को हिंदी में बताता हूं। म्यूजिक। अबे ये नहीं यार, थोड़ा सॉफ्ट वाला म्यूजिक लगाओ यार। तो पेमा खांडू जी लिखते हैं, अरुणाचल प्रदेश के सड़कों का सुधार का परिणाम, पहली बार सुपर स्कार्स यहां उतरे। मतलब मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी का कहना है कि अब अरुणाचल प्रदेश की सड़कें बिल्कुल हेमा मालिनी की गालों की तरह सॉफ्ट हो चुकी है। तभी इन सुपर स्कार्स ने डिसाइड किया है कि सल 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 अरुणाचल। तो इससे पहले कि हम लोग भी अरुणाचल प्रदेश चले जाए, तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक शानदार एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे डाउनलोड करने के बाद आपके पास सही पैसा होगा। जी हाँ दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नाम है IKL Trivia। इस एप्लीकेशन में आप अपने हिसाब से यानी अपने कैटेगरी के क्विज सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका जवाब देके यानी कि उन सवालों का जवाब देके आप आसानी से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो मैं तो कहता हूँ ये एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है पैसे कमाने का। तो आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और या फिर आपको जो है ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर या फिर जो है एप्पल स्टोर पर भी मिल जाएगा। तो अभी जाइए इसको डाउनलोड कीजिए। और अब आगे पेमा खांडू जी लिखते हैं कि ये क्लब यानी कि ये सुपर स्कार्स पूर्वी अरुणाचल यानी कि ईस्टर्न अरुणाचल में 100 किलोमीटर की सवारी करेंगे। इसके आगे उन्होंने लिखा है कि सुपर स्कार्स चलाने वाले अच्छे सड़क और खूबसूरत नज़ारों का आनंद उठाते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मतलब पेमा खांडू जी खुद अपनी तारीफ अपने ही मुंह से कर रहे हैं। नहीं चलो ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पहली बार सुपर स्कार्स की एंट्री हुई है, इस वजह से मैं भी खुश हूँ क्योंकि मैंने भी अपना बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत सारा टाइम ईटानगर के DN कॉलेज के सामने गर्ल्स हॉस्टल पे बिताया है। मेरा मतलब है कि मैं भी ईटानगर के DN कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ। और ईटानगर से मुझे याद आया, मतलब ईटानगर से लेकर बंदरदुआ तक की सड़क की हालत देख के एक व्यक्ति ने पेमा खांडू जी को ट्विटर पे यह कह ही दिया कि सर इन सुपर स्कार्स को आप ईटानगर लेके आइए, ईटानगर की सड़कों की सवारी कराइए। मतलब ईटानगर के ट्रेकर ड्राइवर ऐसे ही थोड़ी ना पूरा पूरा दिन ताश के पत्ते और हाउजी खेलते हुए बिताते हैं। मतलब ये भी अपने इन रस्तों से मतलब एकदम बिल्कुल बोर हो चुके हैं और हमारे CM के कमिटमेंट्स है और हमारे CM साहब भी यानी कि पेमा खांडू जी भी कमिटमेंट भी इस तरह से करते हैं कि एक बार जो मैं कहता हूँ वो मैं उसके बाद डेफिनेटली नहीं करता हूँ। 31 मार्च 2021 तक अगर कम्प्लीट कर नहीं पाया तो मैं मुख्यमंत्री पद से मैं इस्तीफा दूंगा, पूरा जनता आज गवाह है आप लोगों का। अब पिछले साल से ही पेमा खांडू जी को एक सवाल काफी परेशान कर रहा था। लोग कह रहे थे कि चाचा ये हाईवे कब तक कंप्लीट होगा, मतलब एक सवाल उनके नाक पे बिल्कुल दम कर रखा था। तो पेमा खांडू जी ने भी जोश में आके पब्लिक को कह दिया कि ठीक है चलो मार्च तक अगर हाईवे नहीं बनता है तो मैं खुद रिजाइन दे दूंगा। लेकिन जो है मार्च बीत के अभी जो है कई महीने चले गए, अरुणाचल प्रदेश में BJP का नया शानदार ऑफिस बन गया, लेकिन पेमा खांडू जी ने अभी तक रिजाइन नहीं दिया। क्या जुमला फेंक के मारा है पेमा खांडू और ये तालो पुतुम दोनों सुनो। और इसीलिए तो मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने उन सुपर स्कार्स को ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में बुलाया है यानी कि पासीघाट, सियांग और जो है नामसाई में, जहाँ ऑलरेडी सड़कें काफी अच्छे हैं। तो वहाँ अगर दूसरी तरफ अगर कैपिटल की बात करें यानी कि निरजुली से लेकर पप्पू नाला तक की बात करें, यहाँ की सड़क यानी कि यहाँ के सड़क में जो खड्डे
सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के लोगों के आनंद के लिए रखा गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज का वीडियो हम यही पे समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और मेरा मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज नामसाई पासीघाट को छोड़िए, पहले कैपिटल की सड़क ठीक कराइए, ईटानगर से लेकर बंदरद्वार तक की सड़क ठीक कराइए, पूरा दिन यहाँ जो है लोगों का समय निकल जाता है गाड़ी पे बैठ के। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, धन्यवाद। अच्छा वो गर्ल्स हॉस्टल वाली बात काट देना, वो गलती से आ गया मुँह पर।